लव स्टोरीज किसे पसंद नहीं है, हर कोई अपनी इमोशनल डिजायर्स फील करने के लिए या तो लव स्टोरीज पढ़ता है या फिर मूवीज देखता है। तो आज मैं ऐसी ही पांच रोमांटिक मूवीज लेके आया हूँ जो आपने कभी नहीं देखी होगी। और हाँ, मैं आपको वार्निंग दे दूँ कि ये मूवीज सिर्फ 18 साल के ऊपर वालों के लिए है। अगर आप 18 साल के ऊपर है तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और राइड का मजा लीजिए। नंबर 5, लाइव विथ मी। ये 2005 में आई रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसमें बहुत सारे न्यूडिटी सीन्स है। इसकी वजह से आप इसको फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते। इस मूवी की सिंपली स्टोरी यह है कि जो दोनों मेन कैरेक्टर होते हैं वो एक नाइट क्लब में मिलते हैं और मिलते ही उनके बीच में जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जो लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इमोशनली अटैच न होने की वजह से वो उसको छोड़ देता है ताकि उसे जो नाइट क्लब में लड़की मिली थी उसके साथ वो इंटेंस रिलेशनशिप में आ सके। नंबर 4, क्रुएल इंटेंशंस। ये 1999 में आई हुई रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसमें दिखाया गया है कि जो एनेट नाम की लड़की होती है वो एक मैगजीन के कवर पे लिखती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैरिज करने तक प्योर रहना है। तो जब ये कैथरीन को पता चलता है तो वो अपने स्टेप ब्रदर यानी सेबेस्टियन से बेट लगाती है कि वो कैसे भी करके एनेटे के साथ इंटीमेट होके जो भी उसने मैगजीन में कहा था उस इंटेंशन को तोड़ दे। और उसी इंटेंशन को तोड़ने के चक्कर में सेबेस्टियन को एनेटे से प्यार हो जाता है। तो आगे क्या होता है इसके लिए आपको पूरी मूवी देखना जरूरी है। इस मूवी को IMDb पे 6.8 की रेटिंग है। नंबर 3, कॉल मी बाय योर नेम। ये 2017 में आई हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसमें दो आदमियों के बीच का प्यार दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि एलियो के फादर की कंपनी में ऑलिवर काम करता है तो एलियो को उससे प्यार हो जाता है। तो आगे इनकी लव स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे उन दोनों को प्यार हो जाता है उसकी वजह से उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। इस मूवी को IMDb पे 7.9 की रेटिंग है। नंबर 2, लव एक्चुअली। ये 2003 में आई हुई रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसमें 9 जुड़ी हुई लव स्टोरीज दिखाई गई है जो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम सबको कनेक्ट करती है। जैसे किसी को अपने स्टाफ मेंबर से प्यार हो जाता है तो किसी को ग्राफिक डिजाइनर से। इसी तरीके की अलग अलग लव स्टोरीज इस मूवी में दिखाई गई है। इस मूवी में इंटीमेट सीन होने की वजह से इस मूवी को फैमिली के साथ तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते। इस मूवी को IMDb पे 7.6 की रेटिंग है। नंबर 1, अमेरिकन ब्यूटी। ये 1999 में आई हुई रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें लेस्टर की परफेक्ट लाइफ दिखाई गई है जिसके पास एक रेप्यूटेड जॉब और अच्छी फैमिली होती है लेकिन वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा होता है और अपनी ही लाइफ से स्ट्रगल कर रहा होता है। तो फिर उसे अपनी बेटी की दोस्त पसंद आती है जिसकी वजह से उसे अपनी लाइफ की एक्साइटमेंट वापस मिल जाती है। फीमेल न्यूडिटी के होने की वजह से इस मूवी को प्लीज अकेले में ही देखना प्रीफर कीजिए। इस मूवी को बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म इसके लिए ऑस्कर भी मिला है। इस मूवी को IMDb पे 8.3 की रेटिंग है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आपने इसमें से कौन सी मूवी देखी है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज है ये। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेके आऊंगा तो मेरे साथ बने रहिए और चेंबर ऑफ सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।